Bismillah, my name. So this would be our last session of this week. So इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हमने ऑर्डर थ्योरम देखा और ऑफ वीडियो हम लोगों ने क्या बात की है, हम लोगों ने कुछ जनरल रेगुलर सेट्स की बात की है, ठीक है, कि किस तरीके से हमने हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें प्रूव करना या उनको सॉल्व करना या उनको समझना आना चाहिए. इट कुड बी द पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज, ठीक है जी. तो जस्ट गो एंड हैव अ रीड राइट नाउ. आई एम अगेन जस्ट टेलिंग यू गाइस कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज टू हैव अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ योर फाइनाइट ऑटोमेटा टू द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है. बट ऑर्डर थ्योरम इज अनदर वे, इफ अगर आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करने को कह देता है, ठीक है, तो हमारा जो तरीकेकार है वो हम ऑर्डर थ्योरम को प्रूव करते हैं. ऑर्डर थ्योरम है क्या, कैसे कहता है, डेफिनेटली इन सम अदर वीडियो आई एम गोइंग टू प्रूव ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. लेकिन फॉर नाउ हमने यहाँ पर जो है वो सिंपल एक कॉपी पेस्टिंग कर लिया जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ हाँ वी जस्ट गो एंड हैव अ रीड कि अच्छा भाई इसका ये मतलब है, ठीक है. सो लेट सपोज कि दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड द और यू कैन से थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ योर ऑर्डर थ्योरम एंड इट सेज in order to find out like if you want to say in order to find out a regular expression of a finite automata, yani ki you have some automaton, you have some finite automata and you have to extract the regular expression, you have to know the regular expression of any finite automata, then what you can do, you can use Arden's theorem along with, very important, along with the properties of regular expression. Wo jo aapne regular expression ki properties isko aap likh le apne paas, just go and have search it out, what are the properties of regular expression, aur isko lazmi aap read kare. And hopefully I'll make another short video for this regular expression properties as well, ठीक है. But somehow let's suppose कि there is a theorem proof कि let's suppose there are two statements, one is called the P and the other one is called the Q, ठीक है. Then let's suppose कि P is also a regular expression and Q is also a regular expression, ठीक है. लेकिन इसमें शर्त क्या है, this is your first point कि let P and Q are two regular expression, दो regular expression है. लेकिन इसमें शर्त क्या है, condition क्या है कि जो P regular expression है वो आपकी null string नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई एप्सिलॉन इंक्लूड ना हो, ठीक है. यानी कि इनमें से कोई एक, जैसे कि आपने पी को पकड़ लिया, इसके अंदर आपकी कोई भी नल स्ट्रिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है. देन बट देन दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट योर इक्वेशन, दैट इज यू नो आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, लाइक आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर इक्वेशन ऑफ, किससे कंसिस्ट करती है, ये इन दो रेगुलर एक्सप्रेशन है. आर इटसेल्फ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन सॉरी पी इटसेल्फ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड क्यू इटसेल्फ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मर्ज दैट इन इन एन इक्वेशन, ठीक है. कि आप जब उसको इस तरह की इक्वेशन में लिखें, देन उसके बाद देयर मस्ट बी अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ दैट जो कि क्या प्रोड्यूस करे, ये प्रूव करे कि आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टैटिक, ठीक है. सो आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये मैंने जो अभी डेफिनेशन सिर्फ एक ऐसी गुजारी है, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रूव दिस बाय आवर हैंड्स, तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो प्रूफ वुड बी लाइक दिस कि आप कैसे करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे कि आप एक इक्वेशन में दूसरी चीजों को क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो. तो लेट्स सपोज यू हैव दिस इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास आर की अब टेक्निकली दो चीजें हैं, दिस इज and this one, ठीक है. So ultimately you can add this thing in your already existing equation and then you can add this thing in your already existing equation, कि आपके पास ये equation है, इस r के factor में आप substitute कर दें q plus rp या qp static. तो ये जो proof जिसकी मैं बात कर रही थी, I am going to start with this thing, I am going to start with this thing, like I was talking about के q और इस r के अंदर हम क्या substitute कर देंगे, हम qp स्टैटिक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसकी जगह, इस आर की जगह बाहर हमारा पी आ जाएगा और इधर हमारा क्या है, आर है, ठीक है. और हम इसको क्या करते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एट दी एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि आपकी ये जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, वो बेसिकली उसने एट दी एंड क्या निकलेगा सॉल्व करते हुए, एट दी एंड इट इज गोइंग टू बी क्यू पी स्टैटिक, ठीक है. हेंस यू आर गोइंग टू प्रूव कि दिस रेगुलर एक्सप्रेशन you can, if there is any expression जो के इस form में लिखी है, then you can also write it in that form, ठीक है ना. So this is how you are going to prove these equations, but right now my target is not this thing. ये चीज आपके सामने इसलिए लिखी गई है, इसलिए नहीं कि आपने इसको याद करना है, just you have to know कि okay we read that theorem and theorem says this, कैसे prove किया जाता है वो आपके लिए कोई homework नहीं है. I am going to make it
easiest for you. So this, if you are going to read this file, I can bet कि आपको बड़े आसानी से इसकी समझ आ जाएगी. इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है, सब मटेरियल easiest way में यहाँ पर लिखा हुआ है. तो आर्डन थ्योरम क्या कहता है? आर्डन थ्योरम किस लिए पॉपुलर है? जब भी आपने कोई एफ ए आपको दिया और उससे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी हो एक प्रॉपर थ्योरम मेथड यूज करते हुए, तो आर्डन थ्योरम इज द फेमस वन. इट स्टेट है कि आपके पास पी और क्यू दो रेगुलर एक्सप्रेशन है किसी एक अल्फाबेट के ऊपर, ठीक है, किसी एक अल्फाबेट के ऊपर, जाहिर सी बात है. और अगर, और शर्त क्या है कि पी डज नॉट कंटेन एन एस्ट्रे, एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो यू कैन राइट दिस दीज टू एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, एंड सच दैट वेन यू आर गोइंग टू राइट दिस, तो आपका जो हर ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है ये एक यूनिक सोल्यूशन क्रिएट करेगी, यानी कि जो किस फॉर्म में होगा, लाइक उसकी एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगी क्यू पी स्टैटिक, ठीक है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? यूनिक होगा. सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है डेफिनेशन के अलावा, कि यू नीड टू नो द स्टेप्स के किस तरीके से आप ये काम कर रहे हो. तो कंडीशंस जो है वो आर्डन थ्योरम की क्या है, कि फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपने ये देखना है कि आपको जो ऑटोमेटा दिया हुआ है ना सॉल्व करने के लिए कि यार इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकालो, उसमें आप सबसे पहले ये देखो कि उसके ऊपर कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन ना हो, जैसे ये आपका पहला आपको कह रहे हैं, ठीक है. अच्छा, एक ही एक चीज, और दूसरी चीज उसके अंदर जो है वो जो है देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल इनिशियल स्टेट, यानी कि बेसिकली इनिशियल स्टेट सिंगल ही है, लेकिन आपने ये देखना है कि यार एक एप्सिलॉन ना हो और एक सिंगल इनिशियल स्टेट, ठीक हो गया. फाइनल स्टेट्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं. तो जब आप ये दो चीजें देख लें, इसका मतलब यू आर गुड टू गो, आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो अब आप आर्डन थ्योरम के स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं. स्टेप्स क्या है, बड़े ध्यान से सुनना. What we are going to do, we are going to convert any finite automata into a regular expression using Ordnance theorem. क्या ये वैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम Ordnance theorem को देखना है. तो step one ये है, from an equation for each state, form a equation for each state. हर state के लिए आप क्या बनाएं, एक इक्वेशन क्रिएट कर दें. मेक श्योर आपको ये शुरू में चीजें मुश्किल लगेंगी, आई अंडरस्टैंड, बट ध्यान से सुनते जाएं और रिकॉर्डिंग्स में इसको बार बार सुने. लेट्स सपोज हर स्टेट के लिए, स्टेट्स दी होती है ना आपके पास, डिफरेंट स्टेट्स हैं, लाइक आपके ऑटोमेटा में ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, तो हर स्टेट के लिए हमने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है. किस तरह की इक्वेशन बनानी है वो अभी हम बता देंगे, ठीक है. हर चीज के लिए हमने एक इक्वेशन बनानी है, किस तरीके से, कि वी नीड टू सी के इस इक्वेशन पे, यानी कि इस स्टेट के ऊपर कौन कौन सी ट्रांजिशंस जो है वो आ रही हैं. लाइक हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेट ने इसकी तरफ कुछ भिजवाया हो, और इस पर्टिकुलर स्टेट ने इसकी तरफ कुछ भिजवाया हो लेकिन इसकी तरफ ना भिजवाया हो, ठीक है. तो वी नीड टू चेक के हर स्टेट की हमने इक्वेशन इस लिहाज से बनानी है, क्या देखते हुए, कि इस स्टेट के ऊपर कौन कौन सी ट्रांजिशंस आ रही हैं, इसकी तरफ आ रही हैं, इसकी तरफ बढ़ती हुई चीजों को, इसकी तरफ बढ़ती हुई ट्रांजिशन को हमने कंसिडर करना है, ठीक है. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इन तीनों में से इनिशियल होगी ना, जिसके साथ एरो लगा होगा, उसके साथ आपने एप्सिलॉन को उसकी इक्वेशन में जरूर ऐड करना है. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मेरे पास जो है वो तीन स्टेट्स थी, हर स्टेट को मैंने किस तरह कंसिडर करना है, हर स्टेट के लिए इक्वेशन बनानी है कि इसकी तरफ बढ़ती हुई ट्रांजिशन कौन सी है, वो मैंने लिखनी है इक्वेशन के अंदर. जब आप ये काम कर लेंगे तो आपने देखना है तीनों में से इनिशियल कौन सी है, ये वाली है, तो इसकी इक्वेशन के साथ आपने सिर्फ प्लस कर देना है एप्सिलॉन, ये आपका फैक्टर है, ये एप्सिलॉन आपने इसके साथ प्लस कर देना, ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप टू आपका क्या आ जाएगा? स्टेप टू ये है कि आपने देखना है कि आपके जितनी भी स्टेट्स थी उसके अंदर फाइनल स्टेट कौन सी है, एक है, दो है, तीन है, कितनी है, जितनी भी है, उन फाइनल स्टेट्स की आपने एक्सप्रेशन हमने बेसिकली बनानी होती है, और वो किस फॉर्म में बनाती होती है, इस फॉर्म में बनानी होती है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हम कहें कि अच्छा, जब काम ही हमने ये करना होता है तो फिर ये वाले काम क्यों किए भाई? जब हम ये वाला काम करेंगे, कौन सा काम, जिसमें हमने फाइनल स्टेट की एक्सप्रेशन लिखनी होती है, उसका काम करने के लिए हमें हेल्पिंग चीजें चाहिए होंगी, वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्टेप वन का ये वाला पार्ट और स्टेप वन का ये वाला पार्ट, ठीक है जी. स्टेप वन मैंने आपको बता दिया तमाम इनिशियल स्टेट के साथ आपने क्या सलूक करना है. स्टेप टू मैं आपको मैंने बता दिया कि फाइनल स्टेट जो होगी उसका हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे. इंपॉर्टेंट नोट्स आपके जो हैं वो कौन से हैं? इंपॉर्टेंट नोट्स आपके इस टाइम ये आ जाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग.
इम्पोर्टेंट नोट्स मेरे पास कौन से आ जाते हैं? अर्जन थ्योरम जो है वो बेसिकली इट्स अ नोट दैट कैन बी यूज टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन टू बोथ डीएफए के लिए हो सकता है और एनएफए के लिए भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर उसमें अगर हमने कहा है कि एप्सिलॉन ना हो तो इट मीन्स कि एप्सिलॉन एनएफए के लिए नहीं हो सकता। नोट टू क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल फाइनल स्टेट्स, अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो आपने हर फाइनल स्टेट की वो वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन? ये वाली फॉर्म। मेक श्योर आपने हर फाइनल स्टेट की ये वाली फॉर्म तैयार करनी है, ठीक है? और उसके बाद जब आपने पहली फाइनल स्टेट की ये वाली फॉर्म तैयार कर ली, दूसरी फाइनल स्टेट की ये वाली फॉर्म तैयार कर ली, तीसरी फाइनल स्टेट की ये वाली फॉर्म तैयार कर ली, तो एट दी एंड उन सारों को इकट्ठा मिलाने के लिए आपने आपस में उनको क्या कर दिया? ऐड कर देना, ठीक है? ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब डेफिनेटली आपको ये चीज कैसे समझ आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करोगे। लेट सपोज आपकी प्रॉब्लम वन कुछ ये है। प्रॉब्लम वन कहती है, प्रॉब्लम वन दिखाती है कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट है डैट इज ए एंड आपके पास एक ही फाइनल स्टेट है डैट इज बी। ठीक हो गया। अब स्टेप वन क्या था? मैं दोबारा अगर ऊपर आऊं तो स्टेप वन क्या था? ओके, नाउ इट्स गोइंग। तो स्टेप वन देखो बेसिकली क्या था। स्टेप वन कहता था कि यू नीड टू मेक एन इक्वेशन ऑफ ईच स्टेट, ठीक है? जितनी स्टेट्स हैं आपकी यहाँ पर, आपके यहाँ पर दो ही स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आपने हर स्टेट की इक्वेशन बनानी है, ठीक है? इक्वेशन कैसे बनानी है? क्या आपने, फॉर एग्जाम्पल योर स्टेट नेम इज ए, आपने इसकी तरफ बढ़ते हुए जितने भी स्टेट्स हैं, ट्रांजिशन हैं, उनका एक उनको उनको बनाना है। तो देखो इसकी तरफ बढ़ती हुई कौन सी ट्रांजिशन है? ये वन ट्रांजिशन है। कहाँ से आ रही है? ये बी से आ रही है। क्या लेकर आ रही है? वन लेकर आ रही है। ये आपकी तैयार हो गई, ठीक है? दूसरी स्टेट कौन सी आपकी? ये स्टेट है। बी के लिए भी ऐसी इक्वेशन बनाए, ठीक है? बी स्टेट के लिए भी। बी स्टेट के पास क्या आ रहा है? बी स्टेट के पास जीरो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ए से होता हुआ आ रहा है। तो आपने ये इक्वेशन बना दी, ए डॉट जीरो, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेप था वो क्या कहता था कि जो इनमें से आपकी इनिशियल स्टेट है ना, इनिशियल स्टेट कौन सी है जिसपे ये एरो लगा हुआ है, उसकी इक्वेशन के साथ आप एप्सिलॉन को ऐड कर दें। मींस कि उसकी इक्वेशन के साथ आपने क्या ऐड कर दिया? एप्सिलॉन को ऐड कर दिया। ये आपका स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया, सो इजी, ठीक है? क्योंकि इक्वेशंस हैं तो आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें ताकि जब आप आगे सब्स्टिट्यूट करें, पुटिंग करें, तो आप जैसे हम स्कूल लाइफ पे करते होते थे मैथमेटिक्स को, वैसे परफॉर्म कर सकें, ठीक है? होपफुली आपको ये समझ आ गई हो, ठीक है? और अब हम आते हैं स्टेप टू की तरफ, ठीक है? तो स्टेप टू पे देखो, स्टेप टू पे उसने कहा था कि जो भी आपकी फाइनल स्टेट है ना, उसको आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो फाइनल स्टेट कौन सी है इसके अंदर? ये बी फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट की हमने फॉर्म किस तरीके से बनानी है, ये देखें फाइनल स्टेट की, जस्ट अ सेकेंड, ओके। फाइनल स्टेट की हमने फॉर्म बनानी है इस तरीके से, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप इसको इस फॉर्म में बनाओगे लाइक आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बी, तो डेफिनेटली यू नीड टू नो के भाई आपके पास बेसिकली ऊपर वाली आपकी इक्वेशन क्या थी, ठीक है ना? तो लेट सपोज वट वॉज योर फाइनल स्टेट, बेसिकली अगर आप देखो तो फाइनल स्टेट की क्या थी? इक्वेशन टू थी, ठीक है? तो इक्वेशन टू बेसिकली क्या थी? ए डॉट जीरो थी, ठीक हो गया। तो आपने इसको, इस पर्टिकुलर चीज को क्या फॉर्म देनी है? ये वाली फॉर्म देनी है। कैसे आप करोगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है? सो अब आप देखो, अब इसको आप कैसे कर सकते हो? जाहिर सी बात है, यूजिंग वन और टू, इन्हीं को यूज करते हुए आप इन्हीं की मदद से ये बनाओगे। मैंने पहले भी आपको बताया, तो वी ऑलरेडी न्यू के ए की क्या वैल्यू है। वी कैन, यहाँ पे आप जिस तरह मैथमेटिक्स में लिखते थे यूजिंग वन एंड टू वी कैन गेट, मैं यहाँ पे लिखे बगैर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। ए की क्या वैल्यू थी? ए की आपकी वैल्यू आई थी एप्सिलॉन प्लस बी डॉट वन, ठीक है? मैंने आपको अभी बताया था कि ये कैसे आई है, एप्सिलॉन प्लस बी डॉट वन डॉट जीरो, ठीक है? तो ये आपने ये पुटिंग कर दी यहाँ पर, सही हो गया। अब ये इतना सिंपल है कि इसके आगे कोई स्टेप्स ही नहीं है। अब आप सिंपली क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? एप्सिलॉन जीरो के साथ होगा, यानी कि ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, ठीक है? तो एप्सिलॉन जीरो के साथ होगा तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन डॉट जीरो प्लस ये साथ होगा तो क्या आ जाएगा? बी डॉट, यू कैन एक्सक्लूड द डॉट पार्ट ओवर हियर, लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग इट ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी? तो ये चीज हो गई। अच्छा, फिर क्या करें? क्या ये वाली इक्वेशन आपकी बन गई है? यू नीड टू थिंक अबाउट कि ये इक्वेशन बनी भी है कि नहीं बनी। अब आप देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे हमारे पास आया है ये वाली चीज। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कैन वी राइट, लेट मी चेंज द कलर, कैन वी राइट इट एज लाइक एप्सिलॉन जीरो जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? जीरो के। एंड कैन वी राइट दिस थिंग ओवर हियर
कि इसको अगर आप किस फॉर्म में लिखो, आर इज इक्वल टू उसकी फॉर्म में लिखो, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो. यू कैन राइट इट एज बी, यानी कि बी तो आपका इटसेल्फ वो है ना. मेक श्योर कि आप किस फॉर्म में लिख रहे हो. आर इज इक्वल टू, ऊपर लेकर जाते हैं, आपको दिखा दूं मैं ताकि आपको याद रहे कि मैं अपने पास से नहीं लिख रही. जस्ट अ सेकेंड, ये देखें ये वाली चीज, ये ठीक है. तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, सॉरी हो चल. तो लेट मी नोटेशन, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, ठीक है, इस फॉर्म में हमने बनाना है. ठीक हो गया, तो दैट वुड बी द क्यू. आर 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 और आर ये सिमिलर होते हैं ना, ये सिमिलर होते हैं आर और आर. तो ये बी था, तो यहाँ पे हमने बी सेपरेट कर दिया, और ऊपर से क्या चीज थी मेरे पास, 1.0 था, तो ये मैंने एक सेपरेट बना दिया. ठीक हो गया, ये एक मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन गई. ठीक है, और क्या अब ये इस फॉर्म में आ गई है? जी बिल्कुल, इस फॉर्म में आ गई है. दोबारा ऊपर लेकर जाएं तो थ्योरम क्या कहता था, एनीथिंग दैट इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, वो मस्ट क्या प्रूफ होना चाहिए, उसका कोई यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, कि आप उसको एक एक्सप्रेशन भी बताएं. ठीक है, तो हमें कौन सी, एट दी लास्ट हमें क्या रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी, हमने तो रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है ना. तो इससे हम कैसी रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इट ओवर हेयर. We can simply write it over here कि आपने Arden's theorem अगर get किया using Arden's theorem in three, अगर आप Arden's theorem in this particular thing आप get करते हो, तो आपके क्या form थी, R is equal to QP, Q, QP static थी. मैं इसको दोबारा ऊपर लेकर जाती हूँ ताकि आप लोग देख सको. ठीक है, ये जो हमारा solution था, I hope so इधर ही लिखा हो, ये वाला. ठीक है, ये मैं नीचे ले आऊं ताकि नजर आ जाए. ये देखो ये चीज, इफ इफ समथिंग इज इन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, जो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यू पी स्टैटिक के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, क्यू पी स्टैटिक बेसिकली क्या है, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा कि दैट्स द बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन जो कि आप लिख सकते हो. तो इफ यू हैव दिस थिंग ओवर हियर, तो आपका जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग आपका यूनिक सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा. ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपने देखना है कि R इज इक्वल टू क्यू पी स्टेरिक को इस्तेमाल करते हुए. ठीक है, तो Q था, क्या था आपका, R R आपने ऐसे ही लिखा, Q क्या था इसके अंदर आपका, Q ये था. ठीक है, तो आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया, और P स्टेरिक है तो P क्या था आपका, ये था. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1.0 स्टेरिक. ठीक हो गया, सो दिस इज बेसिकली दिस फॉर्म क्यू पी स्टैटिक, और ये अब आपकी क्या बन गई, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई अगेंस्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमें दिया गया था. तो यू कैन एक्चुअली राइट इन द एंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द डीएफए, गिवन डीएफए इज दिस 0.10 स्टैटिक. ठीक है, सो ये एक प्रोसेस था जिसको थ्योरम को फॉलो अप करते हुए हमने ये तमाम सीखा. तो एक्चुअली यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर थिंग डायरेक्टली, आप 0.10 का स्टैटिक डायरेक्टली भी गेट कर सकते थे. ये वही चीज है जो अभी हमने की है, अभी हमने बताई है आपको. ठीक है, अल्टीमेटली इफ दिस इज जीरो, तो ये मैंने अभी आपको करवाया है, ये यहाँ से वापस इधर आके क्या होगी, प्रूव होगी. तो ये कौन सा पैटर्न प्रूव कर रही है, 1.0 का, कितनी दफा आ रहा है, जितनी दफा भी आ रहा है. ठीक है, लेकिन उससे पहले वो और क्या प्रूव कर रही है, दिस 0. ठीक है, तो ये 0 हमने बाहर लिख लिया. ठीक है, तो ये देखो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया, बट इफ कोई एक हैवी मार्क्स का क्वेश्चन है तो यही चीज जो है वो आपका एंडर्स थ्योरम के थ्रू भी हो सकती है. व्हाट वी हैव इन दिस फाइल, वी हैव मजीद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम 2 है. ठीक है, आई विल इनकरेज कि आप इसको गौर से देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट प्रॉब्लम 3 तक करिए, 4 और 5 बेशक आप 4 बेशक स्किप कर दें, लेकिन एटलीस्ट 2 और 3 प्रैक्टिस जरूर करिए. एंड मीन वाइल इफ वी आर गोइंग टू गेट द एनी क्वेश्चन इन आवर पास्ट पेपर, तो डेफिनेटली हम दोबारा से इस एग्जाम्पल को ले लें.